तो दोस्तों आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि कौवा काला कैसे हुआ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक ऋषि ने अमृत की खोज में एक सफेद कौवे को भेजा, लेकिन सफेद कौवे को चेतावनी दी कि अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है और यदि उसने ऐसा किया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। सफेद कौवे ऋषि की बात से सहमत हो गया और फिर सफेद कौवा ऋषि के पास से उड़ गया। एक साल की मेहनत के बाद आखिरकार कौवे को अमृत के बारे में पता चल गया। वह इसे पीने की लालसा को नहीं रोक सका और इसे पी गया। हालांकि ऋषि ने उसे इसे न पीने के लिए सख्ती से मना किया था, तो ऐसा करके उसने ऋषि को दिया अपना वादा तोड़ दिया। अमृत को पीने के बाद उसे इसका पछतावा हुआ और जब उसने वापस आकर ऋषि को सारी बात बताई तो यह सुनकर ऋषि क्रोधित हो गए और कौवे को श्राप दिया और कहा कि तुमने अपनी अपवित्र चोंच से अमृत की शुद्धता को नष्ट कर दिया है, इसलिए उसके बाद से आज सारी मानव जाति तुझसे घृणा करेगी और सभी पक्षियों में केवल तुम ही होगे जिसे लोग नफरत भरी नजरों से देखेंगे। किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी। ऋषि ने सफेद कौवे से कहा, अब तुमने अमृत पिया है तो तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा, तुम बूढ़े नहीं होगे। भाद्रपद मास की 16 दिन तुम्हें पितरों के प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाएगा। यह कहते हुए कि तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी, ऋषि ने उसे कमंडल के काले पानी में डुबो दिया। कौवा काला हो गया और दूर आकाश में उड़ गया, तभी से कौवा काले रंग के हो गए हैं। तो दोस्तों इस कहानी में आपको पता चला कि कौवा काला क्यों है। तो अगर आपने कहानी अच्छे से समझी होगी और सुना होगा तो आपको पता चल ही गया होगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी अपने मन की करने से हमें बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी हमें अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि कौवा काला कैसे हुआ। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए टाटा।